हर फैमिली की अपनी रेसिपी होती है खीर बनाने की, जो यूजली ईद पे बन जाती है और हम बस खा लेते हैं, कभी सोचते नहीं है कि खीर बनी कैसे, किसने बनाई। यूजली नानियाँ दादियाँ बना देती हैं, बट हम नहीं कभी खुद सोचते कि कैसे खीर बनती है। तो मैं जो खीर बना रही हूँ, दैट इज़ विद अ ट्विस्ट टुडे। उसके लिए सबसे पहले आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ मिल्क पैक दूध। इसके बाद इसमें मैंने डालूंगी चावल जो मैंने पहले से सोख करके रखे हुए। सो सबसे पहले हमने दूध लिया पैन में, उसके बाद उसमें चावल डाल दिए एंड वी विल लेट इट कुक। उसके बाद जब तक ये पक रहा है हम बना लेंगे शीरा। इसमें मैंने लिया 1 कप ऑफ शुगर, 1/2 कप ऑफ वाटर। सो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें बन रही होंगी। इन दिस आई विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ द कार्डमम। इसको काट लेंगे, क्रश करके अंदर डाल देंगे। एंड फॉर द क्रंची बिट मैं डाल रही हूँ समोसा पट्टी, और हमने पतला पतला काट दिया। इफ यू नोटिस इज लाइक फ्रेशली मेड पास्ता के स्ट्रैंड्स की तरह हमारी समोसा पट्टी। शुगर सिर्फ बॉयल हो रहा है, खीर भी बन रही है। हमारा जो शुगर सिरप है उसकी अगर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया है। जो शुगर है वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। ऑल डिजर्ट्स हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। आई फील कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए। आई विल स्टार्ट फ्राइंग माय समोसा पट्टी। ऑयल डाल लिया, समोसा पट्टी वॉज इन। सो इसको अब हम फ्राई होने देंगे। दूध वेपोरेट करना शुरू हो गया है, सो आई एड द कार्डमम, इलायची। तो मुझे जो है मीठी टिकड़ी और खीर दोनों को मिक्स करके खाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैंने अब इस खीर में मीठी टिकड़ी का भी थोड़ा सा टच डाला हुआ है और खीर तो बनी रही है। अब मैं इसमें डालूंगी क्रीम जो उसे बहुत ज़्यादा क्रीमी और लाइक रिच कर देगी। बेसिकली किसी भी चीज़ में क्रीम डाल दें मज़ा बहुत बेहतर हो जाता है, एनीथिंग। सो क्रीम आ गई एंड अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, विच इज़ अबाउट 230 ग्राम्स, विच इज़ लाइक 1 कप। So now we'll have to wait till the sugar actually melts, and then I will add the shira, the chashni, in pattiyon ke upar. Ab hum is pe dalenge apna sugar syrup, which will make it nice and sugary, and we'll add the flavor to it because abhi to it's totally bland. Sugar dal di, and now I'll pour my kheer into this very fancy stand that I have. So, अब हमने अपनी खीर डाल दी है इन आर ब्यूटिफुल बोल। इसको अब हम रख देंगे, कूल इट एट रूम टेम्परेचर। जब ठंडी हो जाएगी देन वील स्टार्ट विद द डेकोरेशन ऑफ द खीर। कीपिंग योर सेल्फ ऑर्गेनाइज, क्लियरिंग द मीज़ ऑफ प्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वॉट आई वॉज टॉट इन स्कूल। और अगर हमारी काउंटर्स पे बहुत ज़्यादा गंद होता था तो हमें बहुत डांट पड़ती थी। सो अब हमारी खीर जो है वो सेट हो गई है एंड वी विल स्टार्ट डेकोरेटिंग। सबसे पहले हम ये अपनी जो स्वीट पापड़ी थी इसको साइडों पे डालना शुरू करेंगे अलोंग द एजेस। इफ़ यू वांट, अगर आपको क्रंच ज़्यादा पसंद है तो बेशक आप पूरी जो है वो ऊपर से फिल कर सकते हैं, बट आई जस्ट फील के हमारी खीर खूबसूरत ज़्यादा लगेगी अगर थोड़ी बहुत नीचे से खीर भी नज़र आ रही हो। ये आ गया लिटिल बिट ऑफ द पिस्टैशियोस, थोड़े से आमंड्स, टेक सम ऑफ द रोज पेटल्स एंड इसको थोड़ा थोड़ा ना पतला पतला काट के, बिकॉज बहुत बड़े बड़े पेटल्स हैं सो इट्स बेटर कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा काट के लगा। सो मेरी खीर अब रेडी हो गई है। अब अल्लाह मियाँ मेरी इज्जत रख लें और मेरी नानी को पसंद आ जाए, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, सो प्लीज। एंड दिस वंस फॉर मी, लेट मी ट्राई दिस। इट्स ग्रेट, क्रीमी भी है, क्रंची भी है, नटी भी है, just all the textures that you want in a kheer. Amazing. I can't stop myself.